शेविंग हो गई है। पिछली बार वहां गया था और उसने मूछें खराब कर दी थी, तो जैसे तैसे करके मनोज ने सेट की हैं। तो हेलो नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दिन है बुधवार का और आज की डेट है 10 नवंबर 2021। सुबह के बजे हैं भाई 9:30, लगातार लगभग 9:30 बजे ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और थोड़ा सा काम की वजह से भाई ठीक ठाक निकल रहा है। उसके बाद 2-4 दिन की ये चांदनी है, उसके बाद काम नीचे आएगा तो हालत ख़राब रहेगी। उसके बाद फ्री है, चाहे सुबह 7 बजे ब्लॉग स्टार्ट करो या रात को 8 बजे करो, तो थोड़ा सा काम में निकल रहा है तो कर रहे हैं, तो फ्री होते हैं तुरंत ही ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूं। और भाई अब तो आदत हो चुकी है डेली ब्लॉगिंग की, तो रहिए बने रहिए हमारे साथ, देखिए आज का दिन कैसा रहता है। और हाँ भाई, अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। और साथ ही साथ भाई बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है भाई। भाई साहब, गर्मियों में टाइम काटे नहीं कटता और बार बार मोबाइल चेक करना पड़ता है कितना टाइम हो गया कितना टाइम हो गया। अभी मेरे को एकदम से भूख सी लग रही है, थोड़ी सी हल्की से एहसास हुआ मैंने कहीं ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 11:30-12 बजे ही भूख लगती है जब मेरा रोज़ाना का टाइम है। आदत में हो जाता है, जब आप किसी काम को डेली एक ही टाइम से करते हो तो उसकी आदत हो जाती है और शरीर भी आदी हो जाता है तो अपने आप बताने लगता है। तो आज थोड़ी सी भूख लग रही थी, मैंने मोबाइल चेक किया तो भाई 11 बज गए। गर्मियों में टाइम काटे नहीं कटता और सर्दियों में पता भी नहीं चलता। मैं 8 बजे के करीब में यहाँ आया था और भाई कोई काम भी नहीं किया खास ज़्यादा, आज ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम नहीं है, हल्का फुल्का ही काम है, केवल 2 चक्कर लगाए मैंने और 11 बज गए यार, पता भी नहीं चल रहा है। देखिए सूरज बिल्कुल पीछे आ चुका है, थोड़ी देर में 12 बज जाएँ, 11 बज रहे हैं, 1 घंटा रह गया 12 बजने में। तो देख रहा हूँ 1-2 चक्कर लगा तो ठीक, वरना निकल रहा हूँ घर के लिए, यार भूख लग रही है आज। और पता नहीं क्यों यार क्या चक्कर, आज नींद भी आ रही है, सुबह सुबह से आज नींद आ रही है मेरे को, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा आलस सा आ रहा है शरीर में। हालांकि बुखार बुखार जैसे कोई लक्षण नहीं है भाई, और चाहता भी नहीं ऐसा कुछ हो, ऊपर वाला ऐसा नहीं करे। अभी थोड़ी थकावट सी महसूस हो रही, पता नहीं क्यों होता था किसी किसी दिन ऐसा कि नींद ठीक से नहीं आती, और रात को मुझे नींद ठीक से आई नहीं थी, तो हो सकता है इसी वजह से हो रहा हो भाई। आज कल मैंने गाड़ी बाहर खड़ी कर रखी थी, लाइन में नहीं लगाई थी, 2 चक्कर लगाने के बाद लाइन में लगाई थी, लेकिन आज काम नहीं था तो बाहर ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता था। और जब काम नहीं होता है तो गाड़ियों वाले एक दूसरे से फिर टेंशन मारना शुरू कर देते, काम होता तो लगातार चलते रहते, किसी को इतना ज़्यादा एहसास होता नहीं है कौन डग्गेमारी कर रहा है या कौन लाइन से चल रहा है, लेकिन आज काम नहीं तो सबको पता है कौन क्या कर रहा है। तो भाई मैंने भी अपनी गाड़ी लाइन में लगा दी है, ये पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है पीछे गाड़ियों की, अभी 3रे नंबर पर मेरी गाड़ी है, मुझसे 2 गाड़ी आगे खड़ी हुई हैं, तो वो ये निकले तो फिर मेरा नंबर आएगा, उससे पहले कोई भाड़ा मिल गया बुकिंग वाला रिजर्व वाला तो मैं उसे लेके निकल जाऊंगा। सर, पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा है, मैं दोपहर को खाना खाने नहाने के लिए आता हूँ आराम करने के लिए अपना, लेकिन कोई ना कोई कॉल आ जाती है और कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है, वैसा ही आज फिर हो रहा है। आज फिर एक पड़ोसियों की मेरी भाई फ़ोन आ गया है, और ये मेरे बच्चे देखो पीछे किस तरह से झगड़ा करते, ये देखो क्यों भाई लड़की में लात मार रहा है, दोनों के दोनों बहुत परेशान करते हैं, और दोपहर में कभी कभी इनकी परेशानी की वजह से भी भाग जाता हूँ मैं। तो भाई कॉल आ गई है, जाना पड़ेगा, चलिए देखते हैं कहाँ जा रही हैं आंटी जी। जो लोकेश भैया, नरेश भैया, मैं पिछले 2-3 ब्लॉक पीछे आप जाओगे तो उन्होंने एक बार और बुलाया था, तो उन्हीं की मम्मी का कॉल है, कहीं जा रहे हैं वो, चलिए देखते हैं। ये मेरे दोनों शैतान बच्चे, इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है, आ चुका हूँ जिनको लेके जाना उनके घर के बाहर, ये पीछे वाला मकान उन्हीं का है, निकल के आ रहे हैं, मैंने फ़ोन करके बता दिया गेट के बाहर खड़ा हूँ। और ये छोटू है एक, क्या नाम है भाई, नाम क्या है? देवांश। तो देवांश के गेट पे खड़े हैं हम लोग, तू भी जाएगा? कौन कौन जा रहा है? तो ये लोग कहीं जा रहे हैं, देखते हैं। वैसे आंटी ने मेरे को बताया था महाविद्या कॉलोनी का, कि महाविद्या कॉलोनी जाना, और महाविद्या कॉलोनी जन्मभूमि के पीछे है, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, हम मथुरा में उसे जन्मभूमि के नाम से ही बोलते हैं भाई खाली, तो जन्मभूमि के पीछे कॉलोनी है एक, वहाँ जा रहे हैं, चलिए आ जाने देते। तो भाई साहब, पड़ोसी जैसे काम ख़राब करते हैं वैसा ही आज फिर कर दिया है। पड़ोसी लोगों की एक आदत होती है, जाना कहीं होता बताते कहीं कि मुझे कहा था महाविद्या कॉलोनी जाना है जन्मभूमि के पीछे, और भाई ये पूरा जंगल है, महाविद्या कॉलोनी नहीं, ये जमनेश्वर धाम कॉलोनी है, और सारी की सारी रोडें ख़राब हैं यार। पहले तो गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है ऐसी जगहों पर जहाँ रोड ख़राब होती है, और फिर भाई कहीं की बताओ कहीं ले जाओ तो फिर अपने को भी टेंशन होती है यार,
कि मैंने पैसे बताए थे महाविद्या कॉलोनी के, और ये महाविद्या कॉलोनी से लगभग लगभग 3 किलोमीटर आगे लेके आए मेरे को, तो अब मैं पैसे बढ़ाऊँगा तो ये वही चेचे मेचे शुरू हो जाएगी। चलिए देखते हैं, पैसे तो मैं ज़्यादा मांगूंगा ही मांगूंगा, अब देंगे तो ठीक नहीं देंगे तो ठीक, क्योंकि 3 और 3 6 किलोमीटर के 50 रुपये भी बढ़ा के नहीं मिले तो फिर बेकार है यार। लेकिन पड़ोसी हैं, थोड़ा सा काम, इसीलिए पड़ोसियों के काम से बचता हूँ यार, लेकिन पड़ोसी मेरे पल्ले पड़ जाते हैं। वो काम के बच चुके हैं साथ, हमारा हो रहा घर जाने का टाइम। आज भाई गाड़ी चार्जिंग पर लगाई नहीं थी तो बैटरी जल्दी बोल गई है। दोपहर में मैं जब जाता हूँ घर पर तो आराम करता हूँ, उसी टाइम पर गाड़ी को चार्जिंग पर लगा देता हूँ, जिससे शाम के टाइम में काम धंधे का थोड़ा सा मौका बन जाता है। आज भाई दोपहर को जब घर पहुँचा था, जब भी मेरी पड़ोसन का फ़ोन आ गया था, आप लोगों को दिखाया भी है मैंने, उनको छोड़ते जब वहाँ से लेके आया वापस तो 3 बज रहे थे, तो थोड़ा सा 1 घंटे के लिए लेट आ था, ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो भाई गाड़ी चार्जिंग पर लगाना भूल गया था तो गाड़ी चार्ज की नहीं है, अब यहाँ पर आके 2 चक्कर लगा दिए, बैटरी हो गई है अब ख़त्म, तो अब घर जा रहा हूँ। ये हमारा चगुआ खड़ा है दोस्त, ये रहा चगुआ, उधर संग्राम भाई साहब हैं, इधर बीच में एक सोनू भी खड़ा है हमारा, ये वाला दिख नहीं रहा थोड़ा सा चेहरा उसका अंधेरे की वजह से, क्योंकि लाइट जली हुई है अभी। ये हो गई है बहुत बड़ी, हम आ गए अपने दोस्त की दुकान पे, मनोज, मैं भी मनोज, ये भी मनोज, तो शेविंग करवा लेते हैं यार, सफेद दाढ़ी अच्छी भी नहीं लगती है वैसे भी। सर चल चुका है मनोज के हाथों का जादू, शेविंग हो गई है, पिछली बार वहाँ गया था और उसने मूंछें खराब कर दी थी, तो जैसे तैसे करके मनोज ने सेट की है, अब हल्की सी सही लग रही है। तो चलिए शेविंग हो गई, घर निकलते हैं भाई, अब खाना पीना खाएंगे आराम करेंगे आज। तो भाई शाम के बजे हैं 9:15 और ये हमारे बच्चे मंकू, अंजलि सो चुकी है। अंजलि का रोजाना का मैं कई ब्लॉगों में बता चुका हूँ कि अंजलि 9 बजे तक खत्म हो जाती है, मतलब सो जाती है पूरी तरह से, तो अंजलि छुपके सो गई है। मंकू को भाई नींद नहीं आती है, क्योंकि जब तक टीवी चली रहेगी मंकू सो ही नहीं सकता, आप चाहे कितना भी डांट लो कितना भी कुछ कर लो, डांट पीट के स्वभाव ही दोगे तो अंदर से आगे इसकी चलती रहेगी छुप छुप के, पर टीवी जब तक चलती रहेगी मंकू नहीं सोएगा। और भाई जब से मैं देख रहा था मैच, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच चल रहा था, आज सेमीफाइनल है, हालांकि जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो उम्मीद हमें भी थी कि इंडिया कम से कम सेमीफाइनल तक तो पहुंचेगी, और आज यार इन दोनों टीमों में से एक टीम अपनी होती तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। चलिए कोई नहीं, अगला वर्ल्ड कप आएगा उसमें देखेंगे। तो मैच बहुत अच्छा हुआ है, आधा मैच हो चुका है, इंग्लैंड की पारी ख़त्म हो चुकी है, अब इसके बाद न्यूजीलैंड बैटिंग करेगी। तो ये ब्रेक आया, इसी बीच में मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, यहीं पे एंड कर देते हैं ब्लॉग का। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग का करते हैं एंड। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।